नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक व्यूअर हैं जिनका कहना है कि उनके शोल्डर में बहुत पेन रहता है और जिस हिस्से में उनको पेन रहता है वो काफ़ी ठंडा रहता है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है, हद से ज़्यादा ये इफेक्टिव है। आप इसे ज़रूर करिए और विद इन डेज आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही महसूस हो जाएगा कि आपको जमीन आसमान का फ़र्क है अपने पेन में। ये जो नुस्खा है ये मैंने अपने ऊपर आजमाया। मेरा शोल्डर पेन भी था और काफ़ी समय बाद मुझे घुटनों में भी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने यही उपाय किया था और मुझे हार्डली 3-4 दिन में ही फील हो गया था कि इससे कितना ज़्यादा मुझे फ़र्क लगा है। तो चलिए मैं नुस्खा बताती हूँ आपको, बहुत ध्यान से नोट कीजिए। आपको हर रोज रात को सोते समय एक गिलास दूध लेना है, उसमें आपको पकानी है हल्दी, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो 16 अगस्त है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो आपको हल्दी का छोटा जो चम्मच होता है वो 1/4 लेना है। दूध में आपको हल्दी पकानी है, छोटा चम्मच 1/4 यानी कि 1/4 छोटा चम्मच ये आपको हल्दी पकानी है। उसके बाद इसको पकाकर थोड़ी देर सिम पे पका लेना और इसमें अपना मीठा वीठा डाल के खांड यूज करना, एक साइड रख लेना। इसके बाद आपको लेनी है लहसुन की 2 कलियां। ये जो लहसुन की कलियां है ये आपको देसी लहसुन की कलियां लेनी है, छोटी वाली, छोटी 2 कलियां लेनी है। इनको छील लेना है और अच्छे से कूट लेना है, जिसमें अदरक कूटते हैं मामजस्ता टाइप जो होता है उसमें कूट लेना है, बिल्कुल अच्छे से कूट के इसको निकाल लेंगे आप एक चम्मच में। तो इसे पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना, कच्चा लहसुन कूट लिया, चम्मच में ले लिया, आपको एक तरफ तो चम्मच से लहसुन खा लेना है और दूसरा फटाफट से वो मीठा मीठा हल्दी वाला दूध पी लेना है। क्योंकि जब आप लहसुन खाएंगे मुंह में रखेंगे तो बड़ी अजीब सी जलन की फीलिंग आएगी, जलाता है जो लहसुन होता है, बहुत गर्म तासीर का होता है, तो ऐसा लगता है हमारा मुंह जल गया है। तो रखा जीभ के ऊपर लहसुन को और फटाफट से दूध पी लिया, उसको ऐसे निगल लेते हैं जैसे दवाई को निगलते हैं। ये आपको नुस्खा करना है और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका शोल्डर पेन गायब हो गया है। आपको सावधानी सिर्फ ये बरतनी है कि अगर आपको शोल्डर पेन है तो उस हिस्से को बिल्कुल ना हिलाएं। यूजुअली डॉक्टर या थेरेपिस्ट क्या करते हैं, शोल्डर पेन के समय कोई एक्सरसाइज बता देते हैं और जो थेरेपी करने वाले लोग होते हैं उनके पास तो आप बिल्कुल ना जाएं। हमारे पड़ोस में एक लेडी रहती हैं घर के बिल्कुल सामने, उनको शोल्डर पेन की प्रॉब्लम थी और वो थेरेपिस्ट के पास जाने लगी। उन्होंने थेरेपी कराई, काफ़ी दिन कराई, तो जब तक वो थेरेपी करा रही थी तब तक तो सब ओके था, सब बढ़िया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने थेरेपी करानी बंद करी उनका हाथ इतनी बुरी तरह जाम हो गया। उसके बाद उनको बेस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो मैं आपको ये जो नुस्खा बता रही हूँ ये आप पूरे भरोसे के साथ करना, मैंने खुद पे आजमाया है और मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ एक इंसान के ऊपर लाभकारी हो सकती है देसी नुस्खे वाली, वो बाकियों पे भी होती है। देसी नुस्खे इसी तरह से काम करते हैं कि हर किसी पे ये काम करते ही हैं। अंग्रेजी दवाइयों की होती है समस्या, वो किसी के ऊपर काम करती हैं किसी के ऊपर नहीं करती। तो जो देसी नुस्खा मैंने आपको बताया है इसको यूज़ करते टाइम पे आपको किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई थेरेपी कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना, सिर्फ यही एक नुस्खा आपको बिल्कुल ठीक कर देगा और इस बात का मुझे 100% भरोसा है। उम्मीद करती हूँ आप ये नुस्खा आजमाएंगे और आपका जो शोल्डर पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपकी कोई समस्या है ब्यूटी से या हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना।
मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।